नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रजापति महेंद्र। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, भारत में मिला कोविड डबल म्यूटेंट को WHO ने ग्लोबली कंसर्न बताया है। पिछले दोस्तों आपने यदि एक मंथ पहले जाओगे ना, यानी कि 20 से 25 दिन पहले पास्ट में जाओगे ना, तो कुछ आपके द्वारा यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी गई थी कि भारत में मिला डबल म्यूटेंट, यानी कि डबल जो वायरस पहले था ना वो म्यूटेंट कर गया और डबल म्यूटेंट में चेंज हो गया। उसी को ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस डबल म्यूटो को प्रयोगशाला में जांचा और उसके बारे में ये कह दिया है कि ये भारत के लिए ग्लोबली कंसर्न है, ये चिंता का विषय है। जैसे कि आप लोग ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में आप लोग द हिंदू का आर्टिकल देखो, द हिंदू के आर्टिकल में आप लोग क्या देख पा रहे हो, इंडिया वेरिएंट इज ऑफ ग्लोबल कंसर्न WHO। और इसी के साथ में आप एक कटआउट आर्टिकल देखो BBC का, इसमें लिखा है WHO सेस इंडिया कोविड वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर WHO के जो चीफ है वो प्रमुख कौन है, और साथ ही जो चीफ साइंटिस्ट होती है वो WHO की कौन है, और इसके द्वारा एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जिसके अंदर जो WHO के प्रमुख कार्यकर्ता जो सदस्य है ना वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये कंसर्न का विषय है। साथ ही हम ये समझेंगे कि आखिरकार हम बोलते रहे हैं म्यूटेंट, म्यूटेंट यानी कि म्यूटेशन हो जाता है वायरस में, आखिरकार म्यूटेशन किसी वायरस में होता है इस लाइन का मतलब समझेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली है ना, उसके द्वारा भी दोस्तों जब डबल म्यूटेंट आया था ना कोरोना वायरस का, उसके द्वारा एक नोटिस निकाला गया था और भारत के अंदर एक संस्था सृजित की गई थी। उस संस्था का क्या आप नाम बता सकते हो? उस संस्था का नाम है INSACOG, ये संस्था की है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहाँ पर स्थित है, यह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर स्थित एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो चीफ है ना प्रमुख, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके राइट हैंड की तरफ जो कोने में बैठे हैं ना डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एनाडोम, जो कि थंबनेल में भी मैंने लिखा है, यही इसके चीफ प्रमुख है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कि हमारे भारत के अंदर स्वास्थ्य के प्रति काम करती है और हम लोगों को जानकारी देती है, और ये इनका है ट्विटर हैंडल अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे। इसके द्वारा दोस्तों पिछले महीने जब डबल म्यूटेंट आया था ना, तो इनके द्वारा एक नोटिस निकाला गया था। उस नोटिस के अंदर आप लोग क्या देख पा रहे हो, नोटिस के अंदर ये लिखा था कि ऊपर तो लिख दिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे आप लोग जो गहरे गहरे अक्षरों के अंदर देख पा रहे होंगे जीनोम सिक्वेंस बाई INSACOG, ये जो एक संगठन है इसका नाम मैं फुल बताता हूँ अभी, शो वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड ए नोवल वेरिएंट इन इंडिया। और जो ये आया था ना, ये न्यू दिल्ली के द्वारा जो प्रेस आया था, जो नोटिस आया था ना, ये कब आया था, 24 मार्च 2021 के अंदर ये नोटिस आया था। इस नोटिस के अंदर जो भारत के अंदर जो डबल म्यूटेंट मिला था ना कोरोना वायरस, उसके बारे में लिखा था। इस नोटिस के अंदर आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन देख रहे होंगे, उसका जो कैपिटल वर्ड के अंदर INSACOG, इसका फुल नेम होता है, भारत के अंदर ही बनाया गया है ये इंडियन सार्स कोवी टू और आगे कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक, ये इसका फुल नेम होता है। इसके बीच में जो SARS-CoV-2 आ रहा है ना, ये जो वायरस होता है, जो कोरोना वायरस फैला है ना, ये इसका कोज है। SARS-CoV-2 का फुल नेम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम, और CO का मतलब कोरोना वायरस, और 2 का मतलब एक नया वेरिएंट मिल जाना। यानी कि बेसिकली दोस्तों ये क्या करता है, आपने अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार के विश्व भर से अलग अलग प्रकार के जो कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार के जो म्यूटेंट निकले थे ना, जैसे कि UK का कौन सा था B.1.1.7, ये UK के अंदर था, और साउथ के अंदर जो साउथ अफ्रीकन के अंदर जो कोरोना वायरस का म्यूटेंट आया था B.1.351, ये म्यूटेंट आया था। इसी तरह से ब्राज़ील के अंदर देखने को मिला था। अब समझते हैं कि आखिरकार ये जो म्यूटेशन है, इसे हिंदी में उत्परिवर्तनवाद बोला जाता है, ये क्या होता है,
आप क्या जानते हो, वायरस है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है दोस्तों, अचानक चेंज होता है उसकी जो चेन होती है ना, जो श्रृंखला होती है उसमें हेर फेर हो जाती है जिसके कारण से वो अपना रूप चेंज कर लेता है, उसको ही म्यूटेशन बोला जाता है। और डबल म्यूटेंट के अंदर है कि एक ही वायरस के अंदर दो अलग अलग प्रकार के करेक्टर देखने को मिल जाना है। जैसे कि अब इसके अंदर कौन से करेक्टर देखने को मिल रहे हैं डबल म्यूटेंट के अंदर, E484Q और इसी के साथ में दूसरा है L4F2R, इस तरह के जो डबल म्यूटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो इसको ही दोस्तों क्या बोला जाता है, इस पूरी प्रोसेस को म्यूटेशन वर्ड दिया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, डॉक्टर मराइन वेन केरकुआ है जो कि टेक्निकल लीडर है COVID-19 की। इसी के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जो आप नीचे देख पा रहे हो ना, ये है डॉक्टर स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट है किसकी, WHO की। ये हैं WHO के प्रमुख कौन, टेड्रोस एनाडोम। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से WHO ने डबल म्यूटेंट जो भारत में मिला ना उसको ग्लोबली कंसर्न का विषय बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों ऐसी ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें।